जो प्रदर्शनी यहाँ लगी है नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन, हम सब अपने परिवार के अंदर फोटोग्राफ्स खींचते हैं, वो फोटोग्राफ्स एक तरह से एक कहानी बताती है, एक इतिहास होता है, और उसको कई साल बाद जब देखते हैं वो उतनी और रोमांचक दिखती है। उसी तरह से जो अपने देश का जो इतिहास रहा है, कहाँ से फिल्में शुरू हुई थी, उस समय किस तरह से कहानी सुनाई जाती थी, दिखाई जाती थी, किस तरह के किरदार होते थे, किस तरह का मेकअप होता था, ये सब अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। और इसको हम प्रिजर्व करके रखें हर उस तरह से जिस तरह से हम अपने देश की याददाश्त प्रिजर्व करके रखते हैं, बहुत ज़रूरी है। और सरकार ने इसको एक मिशन के तौर पे करा है, 600 करोड़ रुपए इसमें लगाए हैं, जिसके अंदर बहुत मुश्किल तरीके से लेकिन बहुत ही डेडिकेटेड टीम इसमें लगी है किस तरह से उसको पुरानी फिल्मों को प्रिजर्व करा जा रहा है। करीब 1300 फिल्में हैं जिसको रिस्टोर करा जाएगा और डिजिटाइज करा जाएगा, ताकि हम सब के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए वो एक तरह से एक रेडी रेफरेंस मटेरियल रहेगा।